जय हिंद दोस्तों, मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक मज़ेदार जॉब नोटिफिकेशन वीडियो में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद नया जॉब नोटिफिकेशन आया है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, ये जो वैकेंसी है लोकसभा सचिवालय द्वारा निकाली गई है, इसमें पोस्ट कम है। जी दोस्तों, पोस्ट कम है बट इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। जी दोस्तों, सैलरी आपको सामने दिख रही होगी, इससे भी ज़्यादा इसकी सैलरी है। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी। आप लोग जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और इस वैकेंसी को किस किस स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब इसका अगला नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप लोग उस फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो वैकेंसी है उसके ऊपर डिटेल में। दोस्तों, अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो भी पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है। जी दोस्तों, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी पता चलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर, एक स्टेप टू स्टेप हम लोग बात करते चलेंगे। यहाँ पर बात की जाए पहले पोस्ट की, कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात की जाए तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। तो OBC के लिए 17 है, ST के लिए 5 है, और बात की जाए यहाँ पे जनरल के लिए यानी कि UR कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 13 है, और EWS कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 9 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 47 स्टार में दिया है। जी दोस्तों, पोस्ट यहाँ पे बढ़ भी सकता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। जब पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो अगर ज़्यादा पोस्ट लोग अप्लाई किए हैं तो पोस्ट की मतलब पोस्ट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन भी होना इसमें होता है, हो जाता है। जिस तो सबसे मेन पॉइंट की इसकी जो सैलरी है काफ़ी हाई रखी गई है, सैलरी इसकी काफ़ी हाई होती है, इससे लोग ज़्यादा इसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत लोगों की सोच होती है कि अच्छी सैलरी वाली हम जॉब करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि 47,600 रुपये से लेकर, जी दोस्तों लेवल 8 के लिए यहाँ पे दिया गया है, 47,600 रुपये से लेकर 151,100 रुपये तक इसकी सैलरी होती है, जो काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए लोग इस फार्म को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर टॉपिक पे कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जी दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं मास्टर डिग्री दिया है इन हिंदी फॉर्म, और दिया है किसी भी आप लोग बोर्ड से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है, हिंदी और इंग्लिश। जी दोस्तों, आपको मास्टर डिग्री हिंदी से यानी कि अगर आपने MA किया है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं हिंदी से या इंग्लिश से, मतलब जिस मीडियम से किया हो, जिसके थ्रू किया उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है आप लोग यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ट्रांसलेशंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश। जी दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट का तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगर टॉपिक पे, यहाँ पे दिया है अपर एज लिमिट। जी दोस्तों, कितने वर्ष तक लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं तो 27, जी सबसे लास्ट ईयर बात की जाए तो 27 वर्ष वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, वह भी किस एज से। जी दोस्तों, एज की बात की जाए तो 21 वर्ष लेके 27 वर्ष के बीच वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज की छूट भी मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि इसमें एज की कितना छूट मिलती है किस कैटेगरी के लिए, तो वह भी जान लेना आपको आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर दी गई जो दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा, छोटा सा इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रखा गया, 75 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। आपको यहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाएंगे 50 नंबर के, 50 नंबर के इंग्लिश के होंगे और 50 नंबर हिंदी के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन लोगों ने रखा है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं मेन प्री था, यहाँ पे प्री था, यहाँ पे आपको मेंस कराया जाएगा, मतलब सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे 75-75 मार्क देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रखा गया है, ग्रामर और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रखा गया है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है।
जी दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि आप लोग इस फार्म को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि जो मास्टर डिग्री का डॉक्यूमेंट्स होगा, जो जितना आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा उसको रेडी करके आप लोग स्कैन करा लीजिएगा। उसके बाद एक रिज्यूम बनवा लीजिएगा किसी अच्छे कंप्यूटर वाले से, या तो आप लोग को रिज्यूम चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिज्यूम प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप लोग वहाँ पर रिज्यूम अपना बनवा के आप लोग रख लीजिएगा और पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है उसको स्कैन करा के अच्छे से आप लोग एक PDF के थ्रू में रख लीजिएगा, या तो एक अच्छे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप लोग कोई फोल्डर बना के रख लीजिएगा। वहाँ पे सब रखने के बाद आपको सामने एक ईमेल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ईमेल दिख रहा होगा, इसी ईमेल एड्रेस पे, जी दोस्तों इसी ईमेल एड्रेस पे आपको उस फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी ईमेल एड्रेस पे आपको सारा जो आपका फॉर्म होगा उसको मेल करना है। तो आपको उसके बाद फिर मेल के थ्रू ही आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे एक जॉब होती है, काफ़ी सालों से इसी मेल के थ्रू अप्लाई की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की जो दोनों जॉब होती है, क्योंकि इसमें इसलिए इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है कि ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देंगे, सीट कम ही होती है, इसलिए प्रॉब्लम में हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके लास्ट डेट के ऊपर, तो लास्ट डेट की बात की जाए तो देख सकते 27/7 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 27/7 यानी कि 27 जुलाई तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो अपने किसी पहचान वाले के पास इस फॉर्म को जरूर शेयर करें, ताकि वो अप्लाई कर सके और उसका करियर सेट हो सके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज की छूट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SC और ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, और जनरल EBS के लिए कोई छूट नहीं रखी गई है। यहाँ पे जनरल और EBS के लिए कोई छूट नहीं रखी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी। जी दोस्तों, आप लोग जब आप लोग को इसी फॉर्म को डाउनलोड करना है, यहाँ पे सुन लीजिएगा, इसी फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद इसको पूरा फिल करने के बाद आपको सामने दिख रहा होगा, इसको पूरा फिल करने के बाद आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके साथ में सब एक टोटल फोल्डर बना के आपको उस मेल आईडी पे जो आपको मैं आगे ईमेल आईडी दिखाया हूँ, ईमेल एड्रेस, उसी पे आपको सब मेल कर देना है। जी दोस्तों, यही आपका जो सामने दिख रहा होगा, इसी फॉर्म को फिल करके आपको पूरा सेंड करना है, और साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके सेंड करना है। तो अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जुड़े कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करें।